नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रोहता से राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। विक्रमगंज शहर के डुमराव रोड स्थित काली मंदिर के समीप जल जीवन हरियाली के तहत कला जथा की टीम ने नुक्कड़ सभा कर संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कला जथा की टीम ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से बाल विवाह, दहेज प्रथा, शराबबंदी, जल संचय के अलावे जल जीवन हरियाली योजना, नशा मुक्ति, खेतों में पराली नहीं जलाने, जल संचय के प्रति जागरूक किया। कला जत्था की टीम के सदस्यों ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में लोगों से अपील करते हुए कहा कि दिन प्रतिदिन जल की इतनी संकट होती जा रही है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जल को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो सारे मनुष्यों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसके लिए कला जत्था की टीम ने लोगों से जल संचय करने के अलावे वृक्ष लगाने के लिए अपील किया। कला जत्था की टीम से आप लोग क्या संदेश देते रहे हैं? हम लोग ये संदेश दे रहे हैं, चार बिंदुओं पे फोकस कर रहे हैं, बाल विवाह तथा दहेज अनुमूलन अभियान को लेकर के, इसके बाद मध्य निषेध, इसके बाद जनजीवन हरियाली और मानव श्रृंखला 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक लगाया जाएगा। 19 जनवरी को हरियाली बढ़ाई जाएगी, इसके बाद प्लास्टिक के जो कचड़े लोग जला रहे हैं उसको न जलाएँ, अवशेष पराली को न जलाएँ और लोगों में जागृति फैलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिखा मिश्रा, टीम लीडर। कले जत्थे के टीम से आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? हाँ, मैं महेंद्र सिंह ये संदेश अपने टीम की ओर से देना चाहता हूँ। सर, 19 जनवरी को तो पहले मानव श्रृंखला लगना है 2020 में, वो 11 बजे से है। पूरे हम संदेश देना चाहता है आम जनता भाइयों बहनों को, वो सब समय से इस बिहार की जो एकता है और दुनिया का जो संदेश जो देना है बिहार से वो हम दे सकें ताकि सबकी भागीदारी हो। और इसके साथ में मध्य निषेध अभियान है, बाल विवाह, दहेज प्रथा अभियान है और इसके बाद में जल जीवन हरियाली है। सर, जल जीवन हरियाली जो है आम जनता के लिए, हमारे जीवन की खुशहाली के लिए है, इस पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि जल और हरियाली ना रहे तो जीवन उसके लिए सब बेकार हो जाएगा, उसी में जीवन पलता है। ये संदेश हम लोग को देना है, हर व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाए और उसकी स्वयं देखभाल करे, ये केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, इसमें हम सबकी भागीदारी है। हमारी भी एक जिम्मेवारी होती है कि अपने गांव नगर को साफ सफाई रखें, स्वच्छ रखें और प्रदूषण से बचाएं, ताकि जो हमारा प्लास्टिक का कचरा हो वो इधर उधर ना फेंके, वो भी दूषित कर रहा है समाज को। गाड़ियों में जो धुआं है सर, प्रदूषित कर रहा है, वो उसको जाँच पड़ताल करनी है। और अवशेष पराली जो है जो जलाई जा रही है उसको लेकर के लोगों से संदेश दिया जा रहा है कि आप उसे ठिकाने लगाएं, सही जगह पे गड्ढे में उसे डालें ताकि वो अपना खाद बनेगा। तो दिनों से आपकी टीम चल रही है? ये सर चल रहा है 20 तारीख से हम लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है सर, 20 दिसंबर से। जी, कब तक चलेगा ये? चलेगा 16 तक। जी, हो सकता है उसमें और टाइम बढ़ जाए, क्योंकि मानव श्रृंखला है, अगर डीएम साहब की इच्छा होगी तो बढ़ा भी सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महेंद्र सिंह, डायरेक्टर, और मेरे टीम की एक और लीडर है शिखा मिश्रा जी, और पूरी टीम के साथ लोग हैं सर।